मोदी का सपना 2 अक्टूबर 2018 तक पूरा भारत स्वच्छ भारत हो, इसके लिए देश भर में शौचालय निर्माण कराया जा रहा है ताकि पूरे देश में स्वच्छता फैले। यूपी के मऊ जनपद में भी पीएम मोदी के मिशन को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर शौचालय बनाने जाने का काम जारी है। इस वित्तीय वर्ष में 1,30,000 शौचालय बनाया जाना है। इसके लिए सरकार की तरफ से 34 करोड़ रुपए का बजट भेजा जा चुका है। मोदी मिशन को पूरा करने में लापरवाही करने वाले जिले के 72 ग्राम प्रधानों और सेक्रेटरी को 90 दिन के तहत नोटिस जारी किए 90 जी के तहत नोटिस जारी किया गया जा चुका है। सरकार महत्वपूर्ण योजना में लापरवाही करने के मामले में क्यों न प्रधानी के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारी को समाप्त कर दिया जाए, तो वही गांव के सेक्रेटरी की बर्खास्त करने के लिए भी नोटिस भेज दिया गया है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से जनपद में के ग्राम प्रधानों में खलबली मच गया है। बता दें कि जिले में मोदी मिशन को पूरा करने में जिन ग्राम प्रधानों और सेक्रेटरी के द्वारा लापरवाही किया जा रहा है, ऐसे ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी पर जिला प्रशासन कार्रवाई में जुट गया है और उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है। 90 जी के अंतर्गत जिला प्रशासन ने 72 ग्राम प्रधानों को चिन्हित किया है जिनके द्वारा लापरवाही किया जा रहा है। उनके खिलाफ में नोटिस जारी कर उनके वित्तीय अधिकार और प्रशासनिक अधिकारी को खत्म करने का नोटिस भेज दिया है। साथ ही उन गांवों में तैनात सेक्रेटरी को भी उनकी बर्खास्तगी की नोटिस जारी कर दिया है। मऊ जनपद में इस वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 1,30,000 शौचालयों का निर्माण किया जाना है। इसके लिए सरकार की तरफ से 34 करोड़ रुपए के भारी भरकट बजट भी लाभार्थियों के खाते में भेजा जा चुका है। अप्रैल और मई महीने तक जिला प्रशासन ने 20,000 शौचालयों का निर्माण पूरा कर लिया है। साथ ही शौचालयों का निर्माण कार्य जारी है। क्या नाम है? बबलू राजभर। आपका शौचालय बना है? नहीं बना है। लिस्ट में आपका नाम है? है। तो उसमें तो दिख रहा है कि शौचालय बन गया। इधर बना नहीं है। तो प्रधान से मिले थे? प्रधान से तो हम मिलते ही नहीं, प्रधान हमारे खिलाफ है तो हम क्या उनसे मिले। शौचालय है? कुछ ना। आवास के लिए पैसा आया था, मिला? ना, कोई क्या ना मिला था। कितने घर होंगे इस तरह से आपको? घर था, कुल घर है ना। आप शौचालय कहाँ जाते हैं, खेत में अब, या कैसे, किसी के घर में या कोई है उसकी व्यवस्था? अब झाड़ा फिरे तो खेत में आदमी जाता है। जल खाली बतौले जाता, बन जाइए पानी, ऐसे बनी टेट से पानी बनी तब बैठी, आदमी ना बनी तो खेत में जाई। अब नई सर्वे जो भी फिर पंचायत डीओ ने कराया है उसके हिसाब से 400 के नियर अबाउट शौचालय की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब तक कितने लोगों को बना है? अब तक, अब तो शुरू हो रहा है ना, अभी तो किसी का रेड तैयार नहीं हुआ, 2-3 लोगों का हुआ है। शौचालय बनवाया जाना है 2 अक्टूबर 2018 तक पूरे देश में शौचालय बन जाने हैं। आपके गांव में क्या स्थिति है? 1% भी नहीं बना है शौचालय हमारे गाँव में, और कुछ लाभार्थियों के नाम से पैसा उतार करके सीधे प्रधान द्वारा खा डाला गया है। तो गांव में कितने लाभार्थी हैं शौचालय के? शौचालय के यहाँ लाभार्थी 520 हैं। तो कितने लोगों को बना है? परसेंटेज क्या है? 53 लोगों को ही कागज में दिखाया गया है, जब एक भी आदमी को शौचालय नहीं बनाया गया। 2 अक्टूबर 2018 जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो भी लाइटिंग के लिए चली है हमारे गाँव में, मतलब सदर गाँव में तो एक भी नहीं, मतलब ना के तमाम है, बिल्कुल नहीं। कोई जानता भी नहीं कि कहीं लाइटिंग बन रहा है या कुछ इस टाइप का कुछ भी काम हो रहा है, ऐसा यहाँ पे कोई व्यवधान। हाँ, कुछ बस्तियों में हुआ है तो वो भी केवल थोड़ा मोड़ा, बहुत मतलब केवल पैसा भजाने के लिए। हाँ, एक आध दो जगह हुआ है और मेन गांव में तो कुछ भी नहीं हुआ है। चले तो अभी संज्ञान में कोई बन नहीं रहा है, कागजी अपना लोग एक आध बना रहे हैं, उसका भी कोई सर्वे वर्वे हो नहीं रहा है। नहीं, वो तो सरकार द्वारा नहीं होगा, एक दो अपना जो लोग बना रहे हैं वही बना रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन में हमें 1,30,000 से अधिक शौचालय इस फाइनेंशियल ईयर में बनाने हैं, और इस फाइनेंशियल ईयर क्या यूँ कहें 2 अक्टूबर के पहले तक बना लेना है इस साल, और उसके सापेक्ष अभी अप्रैल मई 2 माह में लगभग 20,000 शौचालय बनाए गए हैं और प्रोसेस में हैं। और अभी देखे जिलाधिकारी महोदय ने बैठक लिया, प्रतिदिन BDO ADO और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्रेटरीज हैं उन सब की बैठक ली जा रही है, और सभी सफाई कर्मी जहाँ पैसे भेजे गए हैं वहाँ सफाई कर्मी, रोजगार सेवक, सेक्रेटरी प्रधान की भी BDO लोग अपने लेवल पर बैठकें कर रहे हैं, और
मिशन मोड में इसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।